हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारा जो लेवल टू है उसके फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर की। इससे पहले जो है दो चैप्टर चेसिस था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद ऑटो बॉडी था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तीसरा चैप्टर, सेशन नंबर 3, जिसका नाम है इंजन। देखिए, 9th क्लास के अंदर लेवल 1 में आपने इंजन कैसे काम करता है और इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके बारे में ब्रीफली पढ़ा है। उसके बावजूद मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ कि एक इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। केमिकल्स की अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल और हमारी जो सीएनजी गैसेस है उसकी बात कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैसेस, ये हमारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। तो केमिकल एनर्जी को क्या कर देता है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। जो हमारे इंजन का जो सिद्धांत है काम करने का वो है हीट। हीट के सिद्धांत पर हमारा इंजन जो है काम करता है। तो जो आपका लेवल 2 है इसके अंदर इंजन की वर्किंग की बजाय जो इंजन की क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, जो बंटवारा है, उसके बारे में बताया था, उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइकिल, देखिए ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो दो तरह के इंजन होते हैं, मेनली पेट्रोल और डीजल। इन दोनों में क्या है कि एक में स्पार्क इग्निशन से काम करते हैं, स्पार्क प्लग से काम करते हैं, एक में डीजल को स्प्रे करके काम करते हैं। तो इनकी ये जो जटिल प्रक्रिया है उसके लिए ग्राफ तैयार किया जाता है, उस ग्राफ को प्रेजेंट करना बनाना कहलाता है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। जो ऑटो साइकिल है वो होती है पेट्रोल डीजल के लिए। ऑटो साइकिल किसके लिए यूज़ करते हैं? पेट्रोल इंजन के लिए। और जो डीजल साइकिल है, नाम से बताया, वो डीजल इंजन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इनके दोनों के प्रेशर डायग्राम इसमें बनाए जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे आगे 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक की। अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक, सबसे पहले बात क्या करेंगे हम कि 2-स्ट्रोक का मतलब क्या है कि 2 बार पिस्टन की मूवमेंट से हमें पावर मिल रही है एक बार, और 4-स्ट्रोक में 4 बार पिस्टन की मूवमेंट से हमें पावर मिल रही है एक बार। ये है इनका बेसिक डिफरेंस। इसके बाद जो 2-स्ट्रोक है उसमें जो क्रैंक है उसकी रिवोल्यूशन एक बार होती है 360 डिग्री बस, लेकिन जो 4-स्ट्रोक है उसमें क्रैंक की जो रिवोल्यूशन है वो 2 बार होती है, 360 + 360 2 बार। अब जितनी भी गाड़ियां हमारी आ रही हैं सभी के सभी 4 स्ट्रोक्स में आ रहे हैं। अब आगे बात करेंगे यूज ऑफ फ्यूल, फ्यूल के आधार के ऊपर। देखिए पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन होता है जिसमें पेट्रोल लगता है, डीजल इंजन जिसमें डीजल लगता है, और एक सीएनजी व्हीकल जिसके अंदर हम सीएनजी डलवाते हैं। ये 3 प्रकार के हमारे फ्यूल यूज के ऊपर क्लासिफिकेशन रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इग्निशन, इग्निशन की बात करेंगे। तो इग्निशन में जैसे आपको पता है स्पार्क इग्निशन होगा सबसे पहले। स्पार्क इग्निशन कौन सा है? जो पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। स्पार्क प्लग कहाँ यूज होता है? पेट्रोल इंजन में। तो स्पार्क इग्निशन का जो दूसरा नाम हो क्या है? पेट्रोल इंजन। स्पार्क इग्निशन काम करता है पेट्रोल इंजन में। इसके बाद हम बात करेंगे सीआई की, कंप्रेस्ड इग्निशन। कंप्रेस्ड इग्निशन किस में होता है? डीजल इंजन में। सीआई इंजन बोलते हैं इसको। डीजल इंजन का दूसरा नाम क्या रहेगा? सीआई, कंप्रेस्ड इग्निशन। उसमें क्या है, हम हवा को कंप्रेस करते हैं और फिर डीजल से स्प्रे करते हैं। 2 प्रकार का हमारा ये इग्निशन सिस्टम रहता है। इसके बाद करेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर्स। नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करेंगे तो 1 सिलेंडर से लेकर 16 सिलेंडर तक हमारे इंजन रहते हैं। 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर एंड 16 सिलेंडर्स। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्या है इंजन बनते हैं। जितने ज़्यादा सिलेंडर्स होते जाएंगे उतना इंजन हमारा बड़ा होता चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट्स ऑफ सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की अरेंजमेंट्स की बात करें, देखिए सबसे पहला है इनलाइन वर्टिकल। इनलाइन वर्टिकल के अंदर आपने देखा होगा कि आपने ऑटोमोबाइल में देखा कि मारुति का 800 का जो इंजन रखा होता है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं, तीनों एक लाइन के अंदर होते हैं। वर्टिकल इन लाइन की बात करें, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हमारे अपोजिट साइड में होगा, सामने से पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आप बात करेंगे वी टाइप। वी टाइप में क्या रहेगा कि बीच में क्रैंक रहेगी, एक पिस्टन इस तरफ रहेगा, एक पिस्टन इस तरफ रहेगा। उसके बाद करेंगे अपोज सिलेंडर। अच्छा, वी टाइप इंजन की गाड़ी अगर हम बाहर से देख के बता सकते हैं, जिसके पीछे 2 साइलेंसर होंगे, जिस गाड़ी के पीछे 2 साइलेंसर होंगे वो वी टाइप इंजन वाली गाड़ी होगी। अच्छा, आगे बात करेंगे अपोज सिलेंडर। अपोज सिलेंडर का मतलब क्या है? एक दूसरे से विरुद्ध या विपरीत दिशा में वर्क कर रहे हो, मतलब एक पिस्टन इस तरफ है, एक पिस्टन इस तरफ, क्रैंक उनकी एक ही रहेगी, एक बार ये मूवमेंट करेगा, एक बार ये मूवमेंट करेगा। उसके बाद रेडियल इंजन। रेडियल इंजन जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेडियल इंजन में क्या होता है, क्रैंक होती है बीच में और पिस्टन उसके चारों तरफ लगे होते हैं, जैसे कि हमारी क्लॉक है उस तरह से ये वर्क करता है, बारी बारी से हर एक पिस्टन क्या है मूवमेंट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलिंग। अकॉर्डिंग टू कूलिंग में हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं जितने भी हैं,
सबसे पहले एयर कूलिंग, फिर है वाटर कूलिंग। देखिए अब जितनी बाइक्स हैं, छोटे व्हीकल हैं, टू व्हीलर हैं, सभी में हम क्या करते हैं, एयर कूलिंग करते हैं। एयर कूलिंग में क्या है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंजन के बाहर फिन्स बनी होती हैं। जैसे हमारा व्हीकल चलेगा, गर्म होगा, तो जो एटमोसफेयर की हवा है वो से टकराएगी और हमारे इंजन से जो एक्स्ट्रा हीट निकल रही है उसको अपने साथ ले जाएगी, तो हमारा जो इंजन है वो मेंटेन रहेगा। देखिए कूलिंग सिस्टम मतलब ये नहीं है कि हम हमारे व्हीकल को ठंडा, इंजन को ठंडा कर देंगे, ठंडा करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमारा इंजन का जो तापमान है वर्किंग का, वो है 70 to 80 degrees, तो हमने ना तो 70 से नीचे आने देना है, ना उसको 80 से ऊपर जाने देना। इसके लिए हमारे पास है कूलिंग सिस्टम। हम बात करेंगे सेकेंड वाटर कूलिंग सिस्टम की, वाटर कूल्ड इंजन। इसके अंदर क्या है, बड़ी जैसे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ सब में एयर कूल्ड है, एयर कूल्ड वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड में क्या रहेगा, फ्रंट में रेडिएटर रहता है, पीछे फैन रहता है। रेडिएटर का काम क्या है, जो हमारा पानी सिलेंडर हेड में घूमकर आया है वो सिलेंडर की जो गर्मी थी, एक्स्ट्रा हीट थी, उसको लेकर आया, तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, गर्म। जब वो रेडिएटर में आएगा तो रेडिएटर में क्या होगा, हवा के माध्यम से वो ठंडा कर देगा और फिर से वापस इंजन में भेज देगा। इससे हम आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड में सबसे पहले होता है लो पावर, लो स्पीड इंजन। लो स्पीड इंजन कौन सा, जैसे कि ट्रैक्टर है, उसमें लो स्पीड रहती है। उसके बाद हाई स्पीड, उसके बाद हम करेंगे हाई स्पीड। हाई स्पीड कौन से रहते हैं, हाई स्पीड इंजन जितने स्पोर्ट्स कार हमारी हैं, जैसे फिरारी है, लंबरगिनी है, ये सारी क्या है, हाई स्पीड इंजन में काउंट होती है। इसके बाद बात करेंगे मीडियम स्पीड इंजन। मीडियम स्पीड इंजन जो भी गाड़ी हम मार्केट में देख रहे हैं, हुंडई की है, मारुति है, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, टाटा की है, ये क्या है, मीडियम स्पीड इंजन कार्स। आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन कि जो हमारा इंजन है उसके अंदर हम फ्यूल कैसे डालते हैं, फ्यूल कैसे बर्न होता है। मतलब पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, कार्बोरेटर, जिसके अंदर पेट्रोल का हवा का मिश्रण करके हम हेड के अंदर भेजते हैं। उसी तरह डीजल में क्या रहता है, हम इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन सिस्टम करते हैं। तो इंजेक्शन सिस्टम से क्या होगा कि हमारा जो डीजल है वो अंदर स्प्रे करेगा। अब आगे बात करेंगे गवर्निंग गवर्निंग की। तो गवर्नर क्या होता है, गवर्नर एक कंट्रोल यूनिट होती है हमारे इंजन की। सबसे पहला है हिट एंड मिस गवर्न्ड इंजन। हिट एंड मिस में क्या रहता है, आपने देखा होगा कई बार कि जो घरों में जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो वो क्या है, स्टार्ट करने के बाद एक ही स्पीड पे चलते रहते हैं, तो उनकी स्पीड क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, वो हिट एंड मिस में आता है। इस तरह जैसे आप गन्ने की रेडी पर जाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, तो वहाँ भी है स्टेशन इंजन रहता है, लेकिन क्या है, एक ही स्पीड से वो चलता रहता है। इसे हम बात करेंगे क्वालिटेटिवली गवर्न्ड इंजन। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या है कि हर इंजन को काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए बर्निंग के लिए, एक तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए यानी कि हवा, और एक चाहिए उसका ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल। इस तरह के इंजन में हम क्या करेंगे क्वालिटेटिवली में, कि जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, उसी की फ्यूल लाइन के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम बना देंगे, थ्रोटल वाल्व बना देंगे कि कितना हमें फ्यूल अंदर इंजन में भेजना है और कब कंट्रोल करना है, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें हवा पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, हवा उतनी ही जाएगी जितनी जा रही है, सिर्फ फ्यूल को कम ज़्यादा कर देंगे। थर्ड है क्वांटिटेटिवली इंजन। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। मात्रात्मक में क्या करेंगे, जैसे कि पेट्रोल में क्या करते हैं, मात्रात्मक में क्या है कि जो फ्यूल आ रहा है, मतलब पेट्रोल है, डीजल, उसको भी प्लस जो एयर आ रही है उसको भी कंट्रोल करेंगे। इन दोनों को कंट्रोल करके फिर हम जो सिलेंडर हेड है उसमें भेजेंगे बर्निंग के लिए। तो इसमें क्या है, माइलेज अच्छी रहती है, हमारे इंजन की लाइफ भी बढ़िया रहती है। मतलब एक अच्छा इंजन हम किसी को बोलेंगे तो वो है क्वांटिटेटिवली इंजन, जो कि हम व्हीकल्स में यूज कर रहे होते हैं। जिसके आगे अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज में है स्टेशन इंजन। स्टेशन इंजन जैसे मैंने बताया, वो इंजन जो स्थिर एक ही जगह पे रहे, मूवमेंट ना करे, एक ही जगह रहे। जैसे कि घरों में जनरेटर रहता है, वो भी एक इंजन का टाइप है, स्टेशन इंजन का टाइप। आगे बताए ऑटोमोटिव इंजन। ऑटोमोटिव इंजन कौन से हैं, जो बाइक्स में है, कार्स में है, ऑटोज में है, बसेज में है, ट्रक्स में है, वो सारे क्या है, ऑटोमोटिव इंजन हैं। आगे बात करें लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव का ये रिलेटेड है रेलवे से। लोकोमोटिव इंजन जो होते हैं वो रेल्स में यूज किए जाते हैं। आगे मरीन इंजन। मरीन इंजन रिलेटेड है जो हमारे समुद्री जहाज है, उन जहाज के अंदर लगने वाले इंजन को हम मरीन इंजन बोलते हैं। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं मरीन इंजन के, जो जो जहाज है समुद्री, उनके जो इंजन है बहुत बड़े साइज के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट इंजन, विमान इंजन। जो रेडियल इंजन का हमने टाइप पढ़ा था वो भी एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक रेडियल शेप में है। अच्छा, एयरक्राफ्ट इंजन जो एयरक्राफ्ट में, एयरप्लेन्स में लगते हैं, उनको एयरक्राफ्ट इंजन हम बोलते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें, कुछ विशेषता वाले, विशेषता वाले सबसे पहले व्हीकल इंजन है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एक पिस्टन होता है, लेकिन वो ट्रायंगल शेप में होता है। पिस्टन है लेकिन बीच में गया है ट्रायंगल शेप में, और उसी टाइप का जो है उसका एलिप्स टाइप का क्या बना होता है, ब्लॉक बना होता है, उसके अंदर वो मूवमेंट करता है। लेकिन इसका यूज़ क्यों नहीं करते हम ज़्यादा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेस पर यूज़ करते हैं।
क्योंकि इसके लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा रहती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे मोटर वाहन गैस टरबाइन की। गैस टरबाइन की अगर बात करें, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वहीं पे इसका यूज किया जाता है, मतलब बांध बना के और जो टरबाइन है वो यूज किए जाते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जा सके। तो ये है स्पेशल यूज के आधार पर।